जनपद संभल असमोली थाना क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग में कुछ दिन पहले नाबालिग बच्चे का शव बरामद हुआ था। पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की, जिसके द्वारा आज ग्राम राया के निवासी मोहम्मद बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने बच्चे के साथ कुकर्म करके गला दबाकर मक्का के खेत में हत्या कर दी थी। युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। आखिर ऐसे घिनौने कृत्य को करने के लिए युवा पीढ़ी क्यों मजबूर हो रही है? क्या उसमें अज्ञानता है या सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले अश्लील वीडियो से युवा पीढ़ी का मानसिक संतुलन खराब हो रहा है? क्या सरकार द्वारा दी जाने वाली यौन शिक्षा का युवा पीढ़ी पर नहीं पड़ रहा कोई असर? आखिर समाज में फैलने वाले ऐसे कुकृत्य को रोकने के लिए युवाओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी किसकी है? विगत दिनांक 5 मई को थाना असमोली के ग्राम राया बुजुर्ग में निवासित आकिल पुत्र किफायतुल्ला ने थाने पर आकर सूचना दी कि दिनांक 4 मई को उनका पुत्र लापता हो गया है, जिस संदर्भ में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके पश्चात 14 तारीख को उस बालक का कंकाल मक्के के खेत में प्राप्त हुआ, जिसका पीएम के पश्चात पंचायत तमाकारा के शव भेजा गया था। तत्पश्चात खुलासे के लिए टीमें लगाई गई थी। इससे यह ज्ञात हुआ कि गांव के ही एक बालक द्वारा यह कार्य किया गया है और उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि दुष्कर्म के पश्चात उसने उस बालक की गला दबाकर हत्या की थी। हिरासत में लेकर उसे अन्य पूछताछ की जा रही है, शीघ्र ही उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।